बढ़ रही है प्यार की बात धीरे धीरे। छोटा सा तू मेरा एक काम कर दे, तेरा सरनेम मेरे नाम कर दे। दीवानों सा हाल हुआ, हमको उनसे प्यार हुआ। नूरे हक सम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, नूरे हक सम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रदीप कश्यप एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक फेमस टीवी एक्टर, सोशल मीडिया स्टार और एक मॉडल की। दोस्तों जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं रिहान रॉय की। दोस्तों 15 अप्रैल 1988 को वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में जन्मे रिहान रॉय का असली नाम अभिजीत रॉय है, जिसे प्यार से घर में सब पप्पू कहकर बुलाते हैं। दोस्तों इनकी फैमिली में इनके मम्मी पापा और एक छोटी बहन है। दोस्तों रिहान एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। दोस्तों गरीबी के कारण रिहान क्लास 10th में ही अपनी पढ़ाई छोड़ चुके थे और पैसों के लिए उन्होंने कई छोटे मोटे काम किए, लेकिन रिहान के मन में एक एक्टर बनने का सपना भी सांसें ले रहा था। लेकिन जब रिहान 17 साल के थे तो जी टीवी का कलकत्ता में एक टीवी मेगा स्टार ऑडिशन का आयोजन हुआ और उन्होंने भी ऑडिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी मां को कहा। दोस्तों उनकी मां ने उन्हें समझाया कि बेटा ये सब बड़े लोगों के काम है, हम गरीब लोगों के लिए नहीं है। लेकिन वो कहा है ना कि चले जो आंधी वो तिनका तिनका, बिखर जाए आसिया गम नहीं है। चले जो आंधी वो तिनका तिनका, बिखर जाए आशियां गम नहीं है। जो तोड़ दे मेरे हौसलों को अभी वो तूफान उठा नहीं है। दोस्तों लेकिन रिहान अपने आप को रोक नहीं पाए और बिना किसी को बताए उन्होंने ऑडिशन दे दिया और वो जीत भी गए। जब इन्होंने अपनी माँ को ये बात बताई तो इनकी माँ बहुत खुश हुई और तभी से रिहान ने एक्टिंग को अपना कैरियर चुन लिया। फिर क्या था दोस्तों, उन्होंने एक्टिंग की ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया और साथ साथ अपने खर्च को पूरा करने के लिए एक जॉब भी शुरू कर दी। और सन 2010 में उन्हें पहली बार एक बंगाली सीरियल ओको बोधो सुंदरी में अपने कैरियर की शुरुआत करने का मौका मिला। और फिर उन्होंने सजदा तेरे प्यार में, इमोशनल अत्याचार, फियर फाइट, मीरा, थपकी प्यार की, एक विवाह ऐसा भी, अग्नि फेरा, बहु बेगम जैसे बहुत सारे सीरियल में काम किया और विक्रम भट्ट की तंत्र वेब सीरीज में भी उन्हें अभिनय करने का मौका मिला। दोस्तों रिहान एक बहुत ही हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं रिहान रॉय और उनकी लव स्टोरी के बारे में। दोस्तों रिहान रॉय और मुस्कान शर्मा की जोड़ी के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। दोस्तों दोनों की पहली मुलाकात एक फ्रेंड्स की पार्टी में वीडियो बनाने के दौरान हुई और रिहान को मुस्कान की खूबसूरती और उसकी मासूमियत ने बहुत प्रभावित किया और पहली ही मुलाकात में दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। और फिर क्या था, फिर वो कहा गया है ना कि जाने मन जाने जिगर जाने तमन्ना हो तुम, तुम्हें मालूम नहीं है मेरी दुनिया हो तुम। इसके बाद ये दोनों साथ में वीडियो बनाने लगे और इनकी जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। रिहान को मुस्कान बहुत ज़्यादा पसंद है और वे मुस्कान को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं और मुस्कान भी रिहान को बहुत पसंद करती है। दोस्तों दोनों के बीच कोई लव रिलेशनशिप नहीं है, वे दोनों महज एक दोस्त हैं। और रिहान एक लड़की जासमीन रॉय को पसंद करते हैं, लेकिन फिलहाल दोनों का एक दूसरे से ब्रेकअप हो चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि मुस्कान शर्मा पहले से ही एक शादाब खान के लड़के के साथ रिलेशनशिप में रही है। दोस्तों शादाब खान के साथ 9 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों के बीच अब ब्रेकअप हो गया है और शादाब खान ने सालनी नाम की एक लड़की से शादी कर ली है। उनकी शादी होने के बाद मुस्कान शर्मा और शादाब में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई और दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।